हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आराध्य क्लासेस, स्टैंडर्ड 12, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने आपको चैप्टर के 3 मेथड के सम्स बताए थे। आज मैं फोर्थ टॉपिक यहां पर ले रहा हूं, पार्ट 10 है और टॉपिक का नाम यहां पर लिखा हुआ है कि कमीशन इंक्लूडिंग इन प्रॉफिट। ये खास ध्यान रखना, ये तो आपको समझ पड़ी, इसलिए मैं अपनी तरह से टॉपिक यहाँ पर ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि क्वेश्चन के अंदर जो आपको कमीशन फाइंड करना है और वो प्रॉफिट जो भी दिया होगा, वो प्रॉफिट के अंदर कमीशन इंक्लूडिंग होगा और आपको क्या करना है, सबसे पहले कमीशन फाइंड करना है एंड देन आफ्टर जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा वो प्रॉफिट में से कमीशन डिडक्ट करना है। बाद में जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट को यहां पर क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फोर्थ टॉपिक यहां पर बता रहा हूं, अच्छी तरह ध्यान रखना फॉर्मूला क्या है। इफ कमीशन इज, समझ लेना खास, पार्टनर कोई भी हो, पार्टनर सपोज ए हो कि बी हो कि सी हो, बराबर, पार्टनर का नाम कोई भी हो और ऐसा लिखा हो क्वेश्चन के अंदर कि ए इज टू बी पेड कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। ये वर्ड याद रखना है, यहां पर लिखा है कमीशन इंक्लूडिंग इन प्रॉफिट, हेडिंग लिखा हुआ है और ऐसा लिखा हो कि कमीशन इज टू बी पेड, कमीशन इज टू बी पेड ऑन प्रॉफिट, कमीशन इज टू बी पेड ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, बराबर। ये मेन पॉइंट खास ध्यान रखना कि कमीशन आपको देना है ऑन प्रॉफिट, पर यहां लिखा है क्लियर कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, बराबर, ये वर्ड खास ध्यान रखना, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। उसकी फॉर्मूला भी मैं आपको बता रहा हूं और बाद में वो फॉर्मूला थ्रू आपको मैं एक सम भी यहां पर एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो वो भी खास ध्यान रख लेना कैसा लिखा हुआ है। तो मेन आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, सब मेन फॉर्मूला याद रख लेना, रेट ऑफ कमीशन क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं, सपोज रेट ऑफ कमीशन आपको क्वेश्चन के अंदर 10% लिया है, फॉर्मूला याद रख लेना खासा, ये फॉर्मूला है। तो कमीशन की फॉर्मूला है, कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ये फॉर्मूला याद रखना, बराबर। इसके ऊपर से आपको ये ध्यान रखना है, चैप्टर के अंदर फोर्थ मेथड बता रहा हूं, कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन क्वेश्चन के अंदर दिया ही होगा, 5% 6% कोई भी हो, वो परसेंटेज लिखने का अपॉन 100 प्लस जो भी रेट ऑफ कमीशन क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको लिखने का है, बराबर। तो ये खास ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला के मुताबिक मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, बराबर। तो क्वेश्चंस भी यहाँ पर लिख रहा हूँ और कैसे वो उसको सॉल्व करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो इधर देखो, खास एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पर, मेन हेडिंग में क्वेश्चन में ऐसा लिखा है यहाँ पर के ए बी सी आर पार्टनर देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज, देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज आर 2:2:1। ये तीनों का रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। फिर बाद में लिखा है कि सी इज टू बी पेड 10% कमीशन, सी इज टू बी पेड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। सी इज टू बी पेड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। सी को 10% कमीशन देना है, पर कैसे देना है, तो जो प्रॉफिट दिया होगा वो प्रॉफिट में से पहले कमीशन माइनस कर दो, बाद में जो प्रॉफिट आवे
वो प्रॉफिट जो रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बराबर, मैं मेथड कर रहे हैं यहाँ पर बता रहा हूँ। पहले तो क्वेश्चन खास ध्यान रख लेना कि सी को आपको 10% कमीशन प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि इफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म ₹1,32,000, देन फाइंड आउट अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, देन फाइंड अमाउंट रिसीव्ड बाय, क्या लिखा है सी, ये क्वेश्चन मैंने लिखा। बराबर, सारे क्वेश्चंस बना रहा हूं, सभी टेक्स्ट बुक के अंदर भी इस तरह के सम्स हो गए, वो भी खास ध्यान रख लेना। सी को यहां पर कितना प्रॉफिट मिले वो हमको फाइंड करने का है, तो अच्छी तरह देख लेना। यहां पर फॉर्मूला, सबसे पहले में पहले फॉर्मूला ध्यान रख लेना, रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन की फॉर्मूला है क्वेश्चन के अंदर, ये ध्यान रख लेना खास। मैंने बीच बताई आपको कि सॉरी रेट ऑफ कमीशन ही आपको कमीशन की फॉर्मूला फाइंड करने की है। कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। कमीशन फाइंड करना है सबसे पहले में पहले, कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू, ये लिखा ही मैंने फॉर्मूला, प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। वैल्यू पुट कर दो, प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,32,000 इनटू रेट ऑफ कमीशन आपको दिया हुआ है 10% अपॉन 100 प्लस 10%, 1,32,000 इनटू 10 डिवाइड बाय 110, 1,32,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, ए 0,0 कट, 12,000 आएगा। कमीशन कितना होगा 12,000, कैलकुलेशन करोगे तो 12,000 रुपये कमीशन आया। अब ये जो कमीशन 12,000 था ये प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडिंग था, तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो प्रॉफिट के अंदर कमीशन इंक्लूडिंग है वो माइनस कर दो पहले, बाद में जो प्रॉफिट आवे वो प्रॉफिट जो भी रेशियोज है वो रेशियो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड आउट द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, सी को कितना मिलेगा, तो देख लो यहां पर मैं इधर लिख रहा हूं प्रॉफिट विदाउट कमीशन, प्रॉफिट विदाउट कमीशन कितना होगा, तो 1,32,000 जो टोटल प्रॉफिट तो था आज, उसमें से ये 12,000 रुपये जो कमीशन आया वो माइनस कर दो, तो आएगा टोटल 1,20,000, कितना होगा 1,20,000 प्रॉफिट विदाउट कमीशन, 1,20,000 ये यहाँ पर आया टोटल प्रॉफिट विदाउट कमीशन। अब बांटना है, इधर लिखा है कि व्हाट अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, तो सी को कितना मिलेगा, तो सी का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है देख लो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्वेश्चन में ना दिया हो तो इक्वली पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का, पर इधर आपको सी का रेशियो दिया हुआ है 1। बराबर, तो इधर देखो मैं फाइंड आउट करता हूँ कैसे वर्किंग करने का है। बराबर, अच्छी तरह ये भी देख लेना कि कैसे मैं टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सी फाइंड करता हूँ। बराबर, इधर क्वेश्चन में देख लेना खास, देयरफॉर सीज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000, ये जो आया वो प्रॉफिट विदाउट कमीशन 1,20,000 आया है, सी का प्रॉफिट ढूंढना है तो 120 इंटू सी का रेशियो कितना है 1/5, देयरफॉर 24,000, 24,000 रुपये सीज प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000। बराबर, और क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, सी को टोटल कितना मिलेगा, तो लास्ट स्टेप ये ध्यान रख लेना, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, तो सी को टोटल कितना मिलेगा, प्रॉफिट तो मिलेगा प्लस कमीशन, प्रॉफिट प्लस कमीशन, प्रॉफिट प्लस कमीशन, प्रॉफिट कितना है, तो सी का प्रॉफिट आया 24,000 और प्लस कमीशन तो कितना आया 12,000, तो टोटल 24 प्लस 12 36,000 रुपये,
यहाँ पर द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, सी को टोटल कितना मिलेगा यहाँ पर 36,000 फ्रॉम द क्या लिखा है प्रॉफिट्स, बराबर। तो ये फोर्थ टॉपिक आपको बताया कि कमीशन आपको पार्टनर्स को देना है, बट क्वेश्चन में लिखा होगा कि कमीशन इज टू बी पेड ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, तो कंपलसरी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने की, कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, बराबर। ये खास ध्यान रखना, पहले आपको कमीशन निकालना है, फिर वो जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से कमीशन माइनस कर दो तो आपको प्रॉफिट विदाउट कमीशन मिल जाएगा, और ये जो टोटल प्रॉफिट आया उसमें से हमको तो ओनली फाइंड किसका करना है, सी इज प्रॉफिट, तो सी का प्रॉफिट जो रेशियो में है उस तरह से बांट दो। अभी भी ध्यान रख लेना, अगर यहाँ पर कोई प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ना दिया हो तो स्टेटमेंट लिखने का कि हियर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज नॉट गिवन सो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ना दिया हो तो सब में कितना आता, 1:20 को 3 से डिवाइड कर दो तो 40,000 प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स के बीच में आता, 40, 40 और 40। इधर तो दिया हुआ है 2:2, 2:2 क्या लिखा है 1, बट ना दिया हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो खास ध्यान रख लेना, ओके। तो फोर्थ नंबर का टॉपिक आपको बता दिया, ये ध्यान रख लेना, ओके। और लास्ट में अपने को क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड जो भी पार्टनर की है वो फाइंड करना है, क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें खास ध्यान रख ले जाना, बराबर, इंपॉर्टेंट से इसीलिए आपको बताने जा रहा हूँ, ओके, थैंक यू।